बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, आपने पूरी बात की। प्रोफेसर श्याम रंजन सिंह हमारे साथ मौजूद थे, जो कि अध्यक्ष हैं यूपी गौ सेवा आयोग के। और अब हम बात करेंगे, हमारे साथ मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली साहब हमारे साथ जुड़े हैं। फिरंगी महली साहब, क्या कहना आपका, जो अभी आपने सुना, प्रोफेसर साहब को भी सुना, जो यूपी गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष से उन्होंने अपनी बात रखी, जो न्यायालय ने बात कही है, उस पर आपकी प्रतिक्रिया, आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे मसले? नहीं, जो कुछ भी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने गाय के सिलसिले में बातें कही हैं, उसको हम लोग उसका वेलकम करते हैं। और जो ये डिमांड है कि गाय को एक नेशनल एनिमल के तौर पर तस्लीम किया जाए और सेंट्रल गवर्नमेंट इस सिलसिले में पार्लियामेंट के ज़रिए से कानून साजी करें, तो ये एक अच्छा कदम है, उसको हम लोग सपोर्ट करते हैं। और जो भी हाई कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में जो बातें कही हैं, वो हिस्टोरिकल और तारीखी बातें कही हैं, उससे जो लोगों के जहनों में खासकर मुस्लिम कम्युनिटी को ले करके इस इश्यू पे गलत फहमियाँ पाई जाती हैं, वो कोर्ट के इस ऑब्जर्वेशन से पूरी तरीके से दूर हो जाएंगी। और कोर्ट ने अपने इस ऑब्जर्वेशन में पूरी हिस्टोरिकल चीज़ों को बयान किया है कि किस तरीके से मुग़ल एम्परर्स ने अपने यहाँ इस बात का हुक्म जारी किया था। जैसे मिसाल के तौर पर बाबर ने अपने बेटे को ये वसीयत की थी कि अगर तुम्हें इस मुल्क पे हुकूमत और कामयाब हुकूमत करनी है, तो इस मुल्क की जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, उसके जो मजहबी अकायद हैं, जिसमें कि गाय को वो एक मुकद्दस चीज़ मानते हैं, उसको ज़बा नहीं करना होगा। इसी तरीके से अगर आप देखें तो हमारे यहाँ जब फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, और उस ज़माने में गांधी जी हमारे शहर लखनऊ तशरीफ़ लाए थे, तो यहाँ पर उलमाए फिरंगी महल ने एक जलसे में गांधी जी की मौजूदगी में ये इस बात का ऐलान किया था कि जो कि हमारे हिंदू भाई गाय को एक मुकद्दस चीज़ मानते हैं, लिहाजा हम उसको ज़बह नहीं करेंगे। और गांधी जी ने इस बात को अपने ऑटोबायोग्राफी में भी इसका तस्करा किया है। और उस वक्त जो कि अंग्रेज़ डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर रहे थे, तो उलमा के इस बयान से, इस ऐलान से हिंदू मुसलमानों के दरमियान एक मजबूत रिश्ता और एक मजबूत यूनिटी इस ज़रिए से भी कायम हुई। लिहाजा आज भी इस बात की ज़रूरत है कि ज़ाहिर सी बात है नॉर्दर्न इंडिया में तो ये पूरी तरीके से बैन है, और इस सिलसिले में पहले से बहुत सख्त कानून बनाए गए हैं, लेकिन उसी के साथ साथ गाय की जो गायों का जो रखरखाव है, उस पर तवज्जो देनी होगी। और कोई भी आगे देख सकता है कि किस तरीके से गाय सड़कों पर टहलती हैं, उसकी वजह से कई एक्सीडेंट्स भी होते हैं, तो लिहाजा इन तमाम बातों की तरफ भी तवज्जो करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली साहब, आपने पूरी बात रखी, ताकि क्योंकि आपका पक्ष आना ज़रूरी, आपकी राय बहुत मायने रखती है, बहुत एक बड़ा तबका है जो आपको सुनते हैं, और हमेशा की तरह आपकी जो राय है वो एक, जिसे कहा जाए, बिल्कुल सदी हुई बात आपने कही। लेकिन मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली साहब, ये बताइए कि इस पूरे मसले पर भी जब सियासत शुरू हो जाती है और फिर मामला गड़बड़ होता है, चार लोग बयानबाजी करते हैं, जो फिरंगी महली साहब जो आज बात कह रहे हैं इतनी शानदार तरीके से, इस बार नहीं, अब हमेशा ही बात को अच्छे से रखते हैं, लेकिन जैसे ही सियासत घुसती है फिर मामला घुस जाता है, फिर हिंदू मुसलमान इस तरह की बातें होने लगती है। फिरंगी महली साहब, मैं चाहूंगा कि जाने से पहले इस पर भी जरूर आप कुछ कहिए। मेरी तमाम लोगों को यही मेरी कह सकते हैं मशवरा है, तमाम सियासी पार्टियों को भी, कि जो गाय के सिलसिले में बात आई है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं कही है, बल्कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कही है, और एक बड़ी बात कही है। और जाहिर सी बात है ये एक बहुत बड़े तबके के मजहबी अकीदे से ताल्लुक़ रखती है, और हमारे यहाँ मजहबी तौर पर भी ये हमें तालीम दी गई है कि हमें तमाम मजाहिब के मजहबी चीज़ों का भी एहतराम करना है। लिहाजा मेरी तमाम सियासी पार्टियों से भी यही गुजारिश है कि इस अहम और इतने सेंसिटिव टॉपिक पर किसी भी किस्म की कोई भी सियासत ना की जाए। और इतने कवानीन बनने के बावजूद जो लोग गाय को अगर कहीं ज़बह करते हैं, तो उनसे भी अपील है कि कतई तौर पर यह गैर कानूनी काम ना करें। और जो ऑफिशियली अगर जो गाय के गोश्त को एक्सपोर्ट किया जा रहा है, तो उस पर भी बैन लगना चाहिए। जी फिरंगी महली साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बीपी गंगा से बात करने के लिए और अपनी सधी हुई राय रखने के लिए, और आपने बात में कही कि किस तरह से ऐसे मसलों पर